कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। भारत में इस जानलेवा वायरस को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। इसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। इधर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए पंजाब सरकार ने 31 मार्च तक पूरे पंजाब में लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होती रहेंगी। बताया जा रहा है कि पंजाब में अब तक 13 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनता कर्फ्यू के बीच चंडीगढ़ से एक पॉजिटिव केस सामने आया है। वहीं पंजाब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है जो 31 मार्च तक जारी रहेगा। इससे पहले अशोक गहलोत सरकार ने 31 मार्च तक पूरे राजस्थान को बंद करने का आदेश दे दिया है। हालांकि जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूरे सूबे को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सभी बाजार प्रतिष्ठानों और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सरकार के आदेश अनुसार रोडवेज समेत सार्वजनिक परिवहन के सभी वाहनों के परिचालन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के ऐलान के बाद गहलोत सरकार ने राजस्थान को बंद करने का फैसला लिया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.